Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ekto! Allahu Akbar! Ekto! Ekto! बस अल्लाह हुवल हक मसऊद। अज़र खान, मुंबई से यहाँ की पाक सरजमीन पे आके तुमने जिहाद के वास्ते तालीम ली है और हिंदुस्तान में अल्लाह की सल्तनत कायम करने की कसम ली है। तुम इस्लाम के सच्चे बंदे साबित हुए हो। मसूद भाई को हिंदुस्तान के काफिरों ने कैद कर लिया है। इस्लाम का ये दिलेर फौजी पूरी दुनिया में अल्लाह का नूर बढ़ाने वाला जिहादी है। वहाँ इस्लाम के हमारे बंदों से मिलो और इस पाक काम को अंजाम दो। इंडिया में हैदराबाद पुलिस स्टेशन कस्टडी में जो मसूद भाई हैं, इस्लाम के वास्ते हैदराबाद जाकर हमारे लोगों से मिलकर उस दोजख से उन्हें बाहर निकालना है। और ये काम तुम्हें उनके पुलिस कस्टडी में रहते हुए करना होगा। मसूद भाई आज के दौर में इस्लाम के सबसे बड़े रहनुमा हैं और ये हुक्म खुदा का है। काफिरों के खिलाफ इस जिहाद में अल्लाह तुम्हारे साथ है, वही तुम्हारी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। अरे चलो निकलो यहाँ से। अरे निकलो निकलो, तू बड़ा हीरो बन गया है। एक ऐसा इंसान है, निकाल लेगा क्या? चल हट, चल हट, चल हट, अरे हट, जल्दी निकल, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे चल हट, शर्म नहीं आती तेरे को? हीरो बनने आया है, चल निकल यहाँ से। अरे मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन मैनेजर। एनटीआर को भी ऐसे ही धक्का दे दिया गया था, लेकिन क्या हुआ, विश्व विख्यात नट सर्वभौमा पद्मश्री नटरत्न सीएम और पीएम भी बनने वाले थे, लेकिन वो महान आदमी स्वर सिधार गए। हाँ इधर में चिरंजीवी, उन्होंने बात कर रहा हूँ ना। अरे बात कर रहा हूँ, मैं सत्यम बात कर रहा हूँ। आप मैं कहा, अरे बाबू से बात कर रहा था हूँ ना। अरे अरे जरा रुको बॉस, और उसके बाद ऊपर वाला एक चांस देगा, एक चांस, बस एक ही चांस। उस दिन तुम लोग मुझे सैल्यूट करके ये गेट में ले खोलोगे। तेलुगु इंडस्ट्री में हिंदी में क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी, कई बार ऐसे सिक्योरिटी वाले रहोगे। आज मैं इधर हूँ लेकिन कल उधर रहूंगा, लेकिन तुम लोग इधर ही रहोगे, इधर ही। ऐसे लोग बहुत आते हैं, पता नहीं कहाँ कोटी कोटी कोटी। लॉन्ग शॉट में तुम्हें सिक्योरिटी वालों को धक्का देते देखा, लेकिन क्लोज कट लिया तो और थोड़ा चिनअप, और थोड़ा चिनअप। या यही इमोशनल ड्रामा के लिए चाहिए, ड्रामा इमोशन। अरे छह साल से ऐसे ही धक्के खा रहे, अपने अंदर से और इमोशन ड्रामा कहां से लाऊं? ऐसा नहीं होता कोटी। बाबू बाबू, तुमको भी क्या, सारे हीरो को बाबू ही बुलाते हैं, पता है ना? हीरो बनना है, बन जाओगे, बन जाओगे, बन जाओगे, पक्का बन जाओगे। बाबू को चीची ये नहीं। अच्छा तुम बाबू को कहानी सुनाने के लिए गए, तो उसका क्या हुआ? उसके चाचा और जीजा ने सुन लिया है। कल सुबह 9:23 पर उनके पंडित जी को सुनाना है। ओहो, आजकल पंडित लोग भी कहानी सुन रहे क्या? अरे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब मुझे समझ में आया कोटी, तुमको सिक्योरिटी लोग बाहर क्यों निकाल रहे थे। ड्रेस प्रॉब्लम, ये बेकार ड्रेस पहनकर स्टूडियो के चक्कर काटोगे तो ऐसे ही होगा। ए थोड़ा हटो, अब ड्राउंड रैली, तुम रोज एक गेटअप पहनकर स्टूडियो पे एंट्री दोगे तो अरे तुम हीरो होगे। रेडी आ जाओ। सोच रहा हूँ मद्रास जाने के लिए सोच रहा हूँ। छिछी सब लोग तमिल में कहानी सुनाओ, तमिल में कहानी सुनाओ करके बोल रहे हैं। ये कैसा है? मद्रास जाकर कुमारन या सरवानन जैसे नाम रख लूंगा मैं। और ये छिछी, तब सिनेमा एक बनाऊंगा, तब हमारे लोग आकर रीमेक बनाने के लिए रेडी होंगे। अच्छा आइडिया है ना छिछी?
तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री कितनी कमजोर हो गई पता है? ए, मैं तमिल डायरेक्टर्स की रीमेक फिल्म्स में काम नहीं करूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। कोटी चाय बाबू। ठीक है बाबू, अब तक चाय के पैसे 150 रुपया हो गए हैं। पैसे कौन देगा बाबू? आपका बाप देगा क्या? आपको एड्रेस भी नहीं लेनी चाहिए। एक ही चांस। वो एक चांस आने दो, बाद में सुपर हीरो बन जाएगा। ये बेकार की शॉप तो छोड़ो, यहाँ नया शॉपिंग मॉल खोल देगा ये। अरे पता है मुझे भी सब लोग संभल बाबू जैसा दिखते है कहते हैं, वो छोड़ के मैं ट्रेन पकड़ के यहाँ आ गया। 15 साल से मेरा यही हाल है, समझे? हाँ लेकिन तुम्हारे गाँव में शक्ल देखने के लिए आईना नहीं मिलता है क्या? 2 साल रुको, फिर उसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ, समझे? अरे तेरे फेस में और मेरे फेस में कोई रिलेशन है क्या? फेस का वैल्यू तेरे को पता नहीं? फेस ऑफ यूथ एक सिनेमा आने के बाद आ गया। तुम्हारे घर का ओनर 6 महीने से रेंट नहीं दिया, इसके लिए 33 बार आ गया है। अरे ऑटो रोको, शाम को भेजो। नमस्ते साहब। वो सिनेमा के पागल यहाँ है? इधर नहीं आए सर। इधर सच में वो लोग नहीं आए सर, सुबह से मैंने नहीं देखा। 6 महीने हो गए हैं, मेरे उठने से पहले चले जाते हैं और मेरे सोने के बाद आते हैं, और कुछ पूछा तो कहते हैं एक चांस। अपने फेस को चिरंजीवी समझाए क्या? अमिताभ बच्चन समझाए क्या? तुम अपनी जिंदगी में जूनियर आर्टिस्ट भी नहीं बन सकोगे। जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप को चोर कहा था। जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को मारा था। जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया था। फिर तुम जहाँ कहोगे वहाँ साइन करने के लिए तैयार हूँ मेरे भाई। सिर्फ आंखों से ही नहीं, हिंदी डायलॉग से भी मार दूंगा। बहुत मस्त है ना सर इसका हिंदी डायलॉग। एक चांस सर, बस एक ही चांस सर। चिरंजीवी अमिताभ बच्चन ऐसे सुपरस्टार नहीं बने सर, भूखे रहे हैं, इंसल्ट रहे हैं। आप जैसे लोगों ने उनकी इंसल्ट किया है, लेकिन आज हिट, सुपर हिट, बम्पर हिट, ब्लॉकबस्टर बोनाजास, ब्लड बैंक, एबीसी कॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद बोलूंगा तो डर जाओगे। मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे सुनोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। अगर कल शाम तक रेंट पे नहीं किया तो मेरे किराने के दुकान से ऑयल का डिब्बा चोरी होगा। पुलिस अगर मुझे पूछेगी किस पे शक है तो मैं बताऊंगा कि मेरे घर पे दो बर्बाद लोग रहते हैं, उन दोनों ने ही चोरी की है। उधर ही जाके खाना, उधर जेल में रेंट नहीं देना पड़ेगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप शाम को फोन करेंगे? अमजद भाई, कोई हमें बचाओ, अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से। हे भगवान, कोई बचाए, हमें छोड़ना नहीं, कोई नहीं। चलो जल्दी भागो, कार्ड को बचाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, भागो, चलो भागो, जल्दी आओ भाई, मत मारो। अरे भाई हमें बचाओ, बचाओ भाई, हमारी बात पर गौर फरमाइए, हम तो भाई देख लेंगे प्लीज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत खुशुल्लाह अलैहिस्सलाम, बेकसूरों पर हमला करना, औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को तकलीफें देना गुनाह है, जुर्म है। क्या हमारे कुरान में हदीस में यही नहीं कहा गया? चांद नहीं क्या? ये साला हिंदू काफिर गुजरात में हम लोगों को बकरे के माफी काटा है, हम इनको। किसने किसको मारा हा? किसने किसको मारा हा? ये उधर गुजरात में पागल हो गए तुम सब लोग। अहमदाबाद दंगे के लिए वो, गोधरा की आग के लिए हम, बाबरी मस्जिद से हम, अयोध्या मंदिर से वो। इस तरह लड़ते रहे तो हम सब मर जाएंगे, सारा हिंदुस्तान कब्र का बन जाएगा। अरे जब इंसान ही नहीं तो कब्र से मजा थोड़ी चलेगा। अरे वाजिब तरीके से सोच लो। अमजद भाई भाषण बंद कर, काटेंगे इन लोगों को। नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों मारना है इन बेगुनाहों को? हाँ क्या कसूर है इन लोगों का? तुम्हारे भाई को मारा, हाँ तुम्हारी बहन को मारा, तुम्हारी अम्मी को मारा, इनका गुनाह क्या है बेचारे? न जाने कहाँ से आ रहे हैं, नाम क्या है, पता क्या है, कुछ भी मालूमात नहीं, फिर भी गहरों से दुश्मनी क्यों? ओए, हम जैसे मुसलमानों का एक ही। अरे मुसलमान मुसलमान, तू मुसलमान है? हाँ परसों ही जेल से छूट गया है, अपनी बीवी को मार दिया उसने और खुद को बोल रहा है मुसलमान। अरे तेरे जैसे लोगों की वजह से हमारा इस्लाम सर झुकाने को मजबूर हो गया है और तुम लोग भी इसकी बातों में आ गए। अरे तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। बात से पछताओगे, अल्लाह की कसम, वही अल्लाह के लिए कुरान की कसम खाकर मुसलमान बोल रहा हूँ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान से मार दूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
चलो सब लोग चलो। अरे नहीं नहीं खींच कर रख देंगे। हाँ हाँ सही कह रहे हो। वही मैं बोल रहा, ये ठीक नहीं है भैया। अल्लाह को भी पसंद नहीं है इसीलिए नमाज के लिए बुलाया है, नहीं तो कबीला हो जाता था कबीला। अरे ये देश को छोड़ के किधर जाएंगे भाई? हाँ यहीं पैदा हुए, यहीं जीना है, इधर ही मरना है, ये देश हमारा है और कहीं नहीं जा सकते हैं, और अगर गए भी तो कोई भी देश हमको लेगा नहीं। अरे भीख मांगेंगे सब लोग क्या है, और इसीलिए सब लोग मिल के जीते हैं। अरे अपन ऐसा ही सोचते हैं ना। हाँ चलो काम पे चलो, चल 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 भाई काम पे चलो। प्रभु तुम्हारा भला करे, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपने हमारा धन्यवाद। झगड़ा तो इधर से ही शुरू होता है ना, दुनिया पूरी भर गई है भगवान को लाकर। एक मंदिर बना के एक रूम में कैसे रख सकते हैं भगवान को? हाँ वो भगवान को चार दीवार के बीच में रख सकते हैं क्या मैं और आप? अरे सर मंदिर किस लिए बोल रहा हूँ भाई साहब, मंदिर हो या चर्च हो या मस्जिद, वो भगवान के लिए ऑफिस जैसा है, समझ गए ना आप? उधर जाके हमारी परेशानी प्रॉब्लम कुछ भी हो, जो कुछ भी हमारे प्रॉब्लम्स है, उधर एप्लीकेशन देते हैं, बस वो उनके पास जाएगा। दुआ मांगने की जगह है, उधर जाके बस दुआ मांगनी होती है, समझ गए ना आप? चलो चलो चलो, अरे फिकर मत करो, चलो क्या बात कह दी, नमस्ते। हम लोग जाकर आते हैं मुन्ना जी, करो बेटा चलो चल। अरे ओ गणेश भाई चाय लगाना मेरे लिए। अमजद भाई। अरे कैप्टन सैल्यूट। अरे तुम्हें नहीं, मुझे सैल्यूट करना चाहिए। अरे साहब आप क्या कर रहे हैं? नहीं अमजद भाई, तुम जैसा एक अमजद भाई अगर हर गांव में होगा तो देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए ये सैल्यूट। कैप्टन साहब आप शर्मिंदा मत करो, मेरा क्या है साहब, आप जैसे मिलिट्री लोग के सामने ऐसे ही पागल झगड़ा मैं ठीक कर दिया बस। ठीक है भैया, ये सैल्यूट हमारी शादी के लिए समझो, आप नहीं होते तो हमारी शादी होती क्या? ये हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, कितना झगड़ा होता। क्या फायदा, मुझे तो अब तक खेलने के लिए बच्चा भी नहीं दिया ना। शर्मा गई। अमजद भाई। अरे जिगर। अरे मेरा प्यारा भाई। अरे जिगर। अल्लाह अकबर। जय श्री राम। चलो जल्दी जल्दी काम करो चलो। हाँ जी हाँ जी हाँ। अरे ओ ख्वाजा सेठ, मामला क्या है तुम्हारा? हाँ आज सुबह सुबह इन दोनों बच्चा लोग को डांटा तुमने, क्या समझे मेरी सोबत में क्या? मामला क्या है जवाब दो ना। मैं बोलो 6 महीने किराया अदा नहीं किया तो जेल भिजवा दोगे? कटोरा पकड़वाने की धमकी दे रहे हो? जुबेदा अंदर है क्या? जुबेदा। अरे ओ जुबेदा। अरे इधर 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 मुझसे बात करो, इधर खड़ा हूँ मैं, क्या समझ रखा है? आखिर सोचते क्या हो तुम हमारे बारे में? बोलो सेठ। आबादी की औलाद। इज्जत इज्जत से बात करने का मेरे से सेठ। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट किसका रिस्पेक्ट है? ए छतरी लाना। बोल बोल अब बोल। अरे चेहरा देख चेहरा देख, शाहरुख खान बहुत बड़ा हीरो बनेगा ये, और ये है डायरेक्टर मुन्ना। क्या डायरेक्ट किया इसने? वो भी देख लेंगे, ये रफू शक्कर हो जाएंगे क्या? ये क्या मामला है? अरे जुबेदा पीछे हट। अरे कुछ नहीं सेठ, आपके ऑटो से गुजारा करता हूँ, किराया तो देना ही था, मैं यहाँ आ रहा था तो ये लोग मिल गए, पकड़ कर लाया। ये लोग तो किराया नहीं देते क्या? बोल रहा हूँ। अरे छोटू गलत बात, तुम अंदर चलो। यार यूपी से इधर तशरीफ ला के मुंबई के भाई पर रौब जमा रहा हूँ, कितनी मुश्किल से मामला बनाया। जुबेदा जुबेदा नहीं मैं, तुम अंदर जाओ। तू शाहरुख खान है तो क्या हुआ? ऑटो के रूट में तब्दील क्यों की? बात नहीं जरा, आपका ऑटो चलाया किराया अदा किया उसी तरह ये लोग भी अंदर जाओ जाओ। इतनी हमदर्दी है तो इनका किराया तुम ही दे दो ना साथ। इतनी बड़ी बात कर दी आपने, इनका किराया तो अभी दे दो यहाँ पर। इंस्पेक्टर मैं एफएम माजा बोल रहा हूँ, ऊपर रहने वाले दो बर्बादी ने हमारे तेल की दुकान से 2 तेल के डिब्बे गायब किए हैं। 3 महीने का किराया किस्मत में हाजिर है। मत आना। अंदर चलो। तुम बाहर। माँ माँ अरे शोर शराबा क्यों कर रहे हो? कौन आया? शाहरुख खान। अरे वो आ गए। अम्मा अम्मा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा अम्मा। एक मिनट। अरे वो डायलॉग बोलना, वो माँ वाला डायलॉग। अरे काबिले तारीफ डायलॉग बोलता है। अरे बोलना जबरदस्त। क्या बोलता है ये? बोलना डायलॉग बोल पहले। अरे मैं बात बोल दूंगा, पहले खींच कर दे। तो माँ सृष्टि का स्वरूप है, माँ अनुराग की तस्वीर है, माँ आशा की रोशनी है, माँ नेकी की खुशबू है, माँ मोहब्बत का दूसरा नाम है, माँ वाकई भगवान है, माँ माँ माँ
अरे लाजवाब बालक, लाजवाब, क्या बात है? अम्मी, अरे अम्मी, तुम रो क्यों रही हो? अम्मी रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ। अम्मी रो क्यों रही हो? अजहर की बेहद याद आती है हमको। अमजद भाईजान, क्या हुआ अमजद भाईजान? असल में मेरे छोटे भाई को याद कर रही है। बिल्कुल तेरी तरह था, बहुत प्यारा था। हमेशा के माफिक 2 साल पहले बाबरी मस्जिद गिरने के बाद हिंदू मुसलमान के बीच दंगा हो गया था। सारा का सारा शहर जल रहा था। कर्फ्यू, खून खराबे का आलम था। वो घर से गायब था, हम डर गए थे। सब जगह ढूंढा, उसी दौरान भिवंडी के एक थिएटर को चला दिया। वो बेवकूफ भी अपने अपने इब्राहिम चाचा के लड़के के साथ उसी थिएटर में था। हम वहां गए मगर कुछ महफूज नहीं था, पहचानना तक नामुमकिन। सिर्फ चली हुई लाशें, सिर्फ राख ही राख। अरे छोड़ ना अम्मी, मालिक की मर्जी थी, हम लाचार थे। हा? मगर देख, अल्लाह ने फरियाद कबूल कर ली और अजहर भाई की जगह किसको भेजा? ये एक बेटा और ये दूसरा बेटा। आज अजहर का जन्मदिन है, रोना मत मां। दे 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 दे, ये कपड़े अपने हाथों से दे। दुआ दे। नाराज हो बेटा, हमारी उम्र भी अल्लाह तुमको बख्शे। चल 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 चल, अब खीर खाए, खीर खाए, खीर खाए, अपने हाथों से खिला दे, अपने हाथों से खिला दे। आप तो रो मत माँ, आकर आ आई ना, खा आ आ आ आ। बाजी ले लो, बाजी बाजी ले लो, सस्ती सस्ती बाजी ले लो। गौर फरमाइए, सबसे पहले मसूद भाई कहाँ है जानकारी हासिल करो। भाई को रिहा करवाना है, चाहे जहां भी हो, हमें भाई की सख्त जरूरत है। बेशक हम कुर्बान हो जाएं, अल्लाह के वास्ते गन्स, कैश, आरडीएक्स, अन्य वस्तु नहीं। तेलुगु में बात करना सीखो, 30 साल से इंडस्ट्री में हूँ। काम क्या है बताओ? बता रहे, वो सूप ताजे या ग्रैंड से चाहिए आज? हाँ ओके बाबू। शंकर महादेव। तेलुगु आता है क्या तुमको? बोलो। पैर का लंच ताजे या ग्रैंड से? प्रोड्यूसर के घर से नहीं आता है क्या? उनसे कहो 30 साल से इंडस्ट्री में हूँ, अब बता दो उनको। रुको, ताज से भी लेकर आओ। 2 साल के बीच का सा तेलुगु बिना सीखे क्यों आते हो इंडस्ट्री में? गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्ते, क्या बोल रहा है तुम्हारा बाबू? क्या बोलेंगे सर, अगला पिक्चर आपके साथ ही है। 3 पिक्चर से यही बात कह रहा है, नाटक कर रहा है क्या? 50 लाख लिया है एडवांस। आपके बारे में बात कर रहा था बाबू, नेक्स्ट पिक्चर आपके साथ ही बता रहे थे बाबू। इस बार कास्ट शीट नहीं दिया तो मेरे बारे में पता है ना? लाइन पर बाबू जी का बाप है बाबू। हाँ मैं चलता हूँ बाबू, डेट्स मांगो तो कन्फर्म नहीं करता है, बात करता है 30 साल का करता हूँ। अरे छोड़ो, जाने दो। सर 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 सर, नमस्ते सर। तुम दोनों मुझे परेशान मत करो। सर 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 सर, ए वो शकीला को रोको भाई, एक शॉट है। कहां जा रहा है? अरे बोल रहा हूं, बोला तुम दोनों दूर रहो मुझसे। अरे दूर रहो, मैंने बोल दिया ना तुमको, रास्कल, मेरे पास मेरे से दूर रहो। एक ही बार क्या तुमको समझ नहीं आता क्या? तुम दोनों दूर रहो मुझसे, समझ में आया क्या रास्कल? सर सर, 9 इफेक्ट है, फुल डार्क है, दूर से कुत्ते भौंक रहे हैं, तुम्हारे साइड में आते हैं टाइट क्लोजअप से, उधर देखो विलन रिवील होता है। कट किया तो विलन का शॉट, अगेन ट्रोली मूव, सेम एक्सप्रेशन, ऐसे ही मेंटेन करो, जक जक, टाइट क्लोजअप, शॉट में विलन को सीरियस दिख रहे हो। लेकिन उस वक्त तो मेरी हीरोइन बहुत घबराई हुई होगी, डर लग रहा है। जा का रही हूँ, रुक, लो पकड़ो। 50 दो। 50 बाप का राज है क्या? ए, पेट्रोल का भाव बढ़ गया है,
पेट्रोल का भाव क्या हमसे पूछ के बढ़ाया है? क्या तूने पेट्रोल डाल के गाड़ी चलाई? घासलेट मिलाए हो? आते वक्त पूरा धुआ 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 बहुत खांसी आ रही थी हमको। भाई समझती और पैसे नहीं दूंगी, चल हट। जुबान संभाल के बात करो। हाँ हाँ समझ गई, ये रुपया रखो हमको अंदर जाने दो बेटा। अरे 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 क्यों दे रहे हो? अरे अरे कुछ तो लिहाज करो, अंदर तो जाने दो। हमें अंदर जाने से पाबंदी लगा रहे हैं। हमारी बेटी को हीरोइन बन जाने दीजिए, फिर देख लूंगी तुम दोनों को भी। अरे हीरोइन बनने आई हो क्या? बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। अभी थोड़ी देर पहले शाहरुख खान ने फोन किया था, बोल रहा था उसको तेरे जैसी हुस्न परी चाहिए। मैं तो एयरपोर्ट जा रहा था बेंगलोर के लिए, अब कैंसल। मामला तो यही जम गया। खान? वही शाहरुख खान, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला। अरे आप तशरीफ रखो। अरे राजू बन गया जेंटलमैन, मोहब्बतें डुप्लीकेट, दिल से कभी हाँ कभी ना। दिल तो पागल है, अब तो बस आप ही उनकी हीरोइन हो, वो भी सुपर हिट। भेड़िए के हथे चढ़ गई बेचारी। कितने लोगों को बचाएंगे हम? वो लड़की बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी। आपको कैसे मालूम? साथ में उसकी माँ को देख कर। हम उस लड़की को अपनी फिल्म में हीरोइन बनाएंगे। नहीं, हीरोइन के साथ हम काम नहीं करेंगे। ऐश्वर्य राय, कम से कम करिश्मा कपूर। सपने तो बड़े बड़े देख रहे हैं जनाब। चप्पल लेके मारूंगा। डान, 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 डान। आप डिस्को डांस के ख्वाहिशमंद है क्या? आओ। ओए बड़ा टुमाम, बड़ा टुमाम, डो टुमाम। एक्शन बोलो भाई। एक्शन। मुन्ना क्या हो गया? डिंपल की चाल है। अरे जख्मी औरत देखेगा तो पता चलेगा। एक्शन। यप यप क्या हो, यप यप क्या हो, यप यप क्या हो। हे ऊपर वाले। बचाओ, बचाओ, भाग के भाग। रुकिए, रुकिए। उधर नजर आ रहा है। अरे वो लोग हमारी बेटी की इज्जत तार तार करने पर बरामदा है। कौन है भाई? पुलिस से पंगा ले रहा है भाई। अभी अवालात में डाल दूंगा, समझा क्या? फरार हो जाए। फरार हो गए साले। देखा पुलिस की एक्टिंग। अरे डायरेक्शन सीख ले जल्दी। अरे कहाँ हो चम्मक चल लो। अरे गांव के लोगों ने श्रीदेवी के माफी को करिश्मा के माफी को कहकर भड़का दिया और दौड़ लगा के सीधे स्टूडियो में पहुंच गई तुम। जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर इसी वास्ते बैठे, आओ मेरी हीरोइन, आओ मेरी हीरोइन, हम तुम्हारे इंतजार में बैठे। और शाहरुख और सलमान का नाम क्या सुनाया कि कार में तशरीफ रखकर रवाना? हीरोइन बनेगी, अदाकारा बनेगी। अरे फिल्मी दुनिया से वाकिफ नहीं हो क्या? अरे हम लोग यहाँ सालों से क्या फिक्का? जाने दो, औरत है। लौटने की बात करो। गोरी चमड़ी से हीरोइन नहीं बन सकते, नसीब चाहिए नसीब। लगता है इस बुढ़िया ने तुम्हारा मगज खराब कर दिया है। आप सुनिए, खामोशी से अपनी बेटी को लेकर दफा हो जाइए। शादी वादी कर दीजिए इसकी, समझ गई क्या? एक मौका, बस एक मौका। मैं क्या हूँ मैं साबित कर दूंगी। छोटे ये डायलॉग कहीं सुना सुनाया लगता है ना? कोशिश करना गलत नहीं है, हौसला रखो। कोशिश करते रहने से कामयाबी जरूर मिलती है। तुम हीरोइन बनने तक इस घर में रह सकती हो। सायरा इसे अंदर लेके जाओ। छोटे क्या क्लास लगाई है अमजद भाई। वो तो सही है छोटे, लेकिन ये पहन क्या रखा है? वो कैप्टन एक पुलिस वाले की का। जनाब चोले से भी बड़ी फिल्म बनेगी। हाँ कैप्टन, सुपर स्टोरी है कैप्टन। 70s में अमिताभ की जंजीर थी, 80s में ओमपुरी का अर्धसत्य, 90s में मनोज कुमार का शूल, और इसके बाद पुलिस पर कोई भी फिल्म नहीं बनी है। ये बहुत ही सुपर स्टोरी है जनाब। हाँ कैप्टन, इस फिल्म में अपना छोटे हीरो है। बस एक चांस, एक चांस जनाब। फील के लिए पुलिस ड्रेस में घूमने खातिर हमने कहा है। कैसा दिख रहा है सर? अच्छा है, पर वर्दी में गोरखे जैसा लग रहा है। अमजद भाई जाहिर है आप भी मजाक उड़ा रहे हैं। मुन्ना फिल्मों में पुलिस वाले को देखकर शर्म आती है। गाहे बगाहे तुम तो मालूम कर लो कि पुलिस क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी जिंदगी क्या है, उनकी वर्दी का रुतबा क्या है। रिसर्च कीजिए, रियलिस्टिक तरीके से दिखाने की कोशिश कीजिए। हम एक काम करें, एक पुलिस ऑफिसर हमारा जिगरी दोस्त है,
प्रेसिडेंट मेडल भी जीत चुका है, बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, एक दफा उससे मिलते हैं। कौन है जनाब? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस राधा कृष्ण तिवारी। ब्लू बैग के साथ एक आदमी आएगा, उसमें उसके पास गन्स और आरडीएक्स है। उसको लेने के बाद मुझे फोन करने की कोशिश करो। लादेन जैसे उग्रवादी अपने खुदगर्जी के वास्ते पाक कुरान के मायने बदल कर आतंकवादी संगठन बनाने की तैयारी में लगे हैं सर। वो बहका रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है और वो बर्बादी का खौफ मुसलमानों में पैदा कर रहे हैं सर। नादान मुस्लिम नौजवानों को बहलाकर उन्हें आतंकवादी बनाना और हमारे मुल्क को कब्रिस्तान बनाना ही उनका मकसद है सर। ऐसे ही एक आतंकवादी संगठन का सरगना है ये मसूद अजहर। खलील तू ही है, तू यहाँ का नहीं है, तू इंडियन नहीं है, तू यहाँ पैदा नहीं हुआ क्या? उस पाकिस्तान में जाके पैदा हुआ है? कुछ भी कर लो, तुम्हारे जैसे कितने भी आए ना पाकिस्तानी तो भी हम डरने वाले नहीं है। हर एक तुम्हारे जैसे पाकिस्तानी को निचोड़ निचोड़ के मारेंगे। जोश निकालो इसका, छोड़ना नहीं इसे, पूरा बोलेगा ये। राधा
कैसे हैं एसीपी साहब? यही है एसीपी राधा कृष्ण। राधा, यह है छोटे, हमारा खासो खास। फिल्मों में हीरो बनने की ख्वाहिश है, और यह है मुन्ना, फ्यूचर डायरेक्टर। सलाम सर, क्या पूछना है पूछ लो। सर, हमने एक स्टोरी लिखी है, चाहिए हम 3 साल से पुलिस वालों पर रिसर्च कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, ये कैसे होगा, वो क्या सर, आप जो पहनते हैं आपका गैटअप होता है, आपके स्टार होते हैं, आपके सर पे जो कैप होती है, सर वो देख के हमें सर बहुत अच्छा लगता है सर। अगर आप हमें एक बार जीप काट के दिखा देंगे तो हमारी लाइफ बन जाएगी सर। प्लीज सर, प्लीज कुछ करिए ना सर, हमारी लाइफ बन जाएगी सर। कैप्टन, प्यास लगी है क्या जनाब? समझ गए जनाब। आप उनका दिमाग खराब मत कर बे, चल फोन रख, दिल बहुत हुएला अभी, चल। सलाम साहब, आदाब साहब, खलील मिल गया साहब? नहीं साहब, मुश्किल है। अली खान साहब? वो ना साहब, बंजारा डिस्को थेट में मिल जाएगा आपको। जुम्मे के दिन है ना साहब, उसको किधर से पैसा मिल जाता है। हफ्ता भर उधर ही मौज मस्ती करता है हसीनाओं के साथ। हाय अमजद भाई। हाय पूजा। हाय कैप्टन। अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दिया क्या? ओह नो, जल्दी करो, वेटिंग इधर। क्या बोल रही है? ओके ओके, अमजद भाई, आपकी शादी 200 साल बाद होगी, ऐसा छोटे बोल रहा था। सीता महालक्ष्मी, निजामाबाद से हीरोइन बनने के लिए इधर आई हो ना? फिर ये विलेज ड्रेस क्या है? ए पूजा, बस भी कर। फिल्म की हीरोइन बनना है तो बहुत सेक्सी लगना चाहिए, तब जाकर ऑडियंस को। पूजा मुझे देखो, ये सब क्या सिखा रही है इसे? घर के अंदर भी ये सब कपड़े पहनेगी क्या? बुर्का पहनकर घर में बैठेंगे तो ऐसा ही होगा। एक बार, सिर्फ एक बार बाहर आओ, फिर तुम्हें पता चलेगा दुनिया कैसी है, कहाँ जा रही है। हाँ भूल गई, कल डिस्को में सुपर फाइट बहुत सेक्सी था, वो एक आदमी को पकड़ के बहुत मारा। वो थोड़ा रफ था लेकिन बहुत सुंदर था। फिर से मिलना है जुबेदा, 200 साल, शादी के लिए। छोटी कहाँ है? हे कमीने, दुष्ट लोगों से हमारी संस्कृति को, ये क्या है? पकड़ने को कहा था, दबा क्यों रहे हो? क्यों दबा रहे हो? सॉरी। सॉरी मतलब? हे मूर्ति, कहाँ से लेकर आए उसको, कौन से कटिंग शॉप से लेके आओ? सॉरी सॉरी मतलब क्या? तुम्हारा दोस्त है ये? अरे तू 2 मिनट शांत। हमारा रिश्तेदार है क्या ये? 30 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, 30 साल हो गए, 30 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया। फोन करता हूँ, फोन करता हूँ। हे मूर्ख, हमें तुम द्रोह कर रहे हो, तुम्हें ये तो मैं क्या क्या नहीं क्या नहीं, नहीं अरे डायलॉग बताओ यार, डायलॉग नहीं बता सकते जल्दी, रुको दादा, इनका क्या डायलॉग नहीं बता सकते क्या हो गया? डायरेक्टर ने अच्छे से बोल के राइटर को लिखने के लिए कहा था, लेकिन वो बाहर इडली सांभर खाने चले गए, उसमें हम क्या करें? इमीडिएट 1 मोर करते हैं, चलो 178, हम विद्रोह करेंगे। ये क्या हो रहा है सर? अरे समझ में नहीं आता क्या? बटर पेपर सर। अरे काम हो रहा है ना यहाँ पर कि मजाक चल रहा है? ये देखो क्या कर रहे हैं इन लोग, 30 साल हो गए। तुम हमारे सामने विद्रोह कर रहे हो। मूर्ति ठीक से डायलॉग नहीं बता सकते, 30 साल हो गए इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री से बाहर कर दूंगा तुम्हें, समझे? जल्दी बताओ, संस्कृति में ध्यान दो। संस्कृति में? ये तो बार बार अपना डायलॉग ही भूल जाता है। टेक 63, टेक 91, टेक 100, टेक 120। अरे ओ बेवकूफ, हमारे लोगों को धोखा देकर, हमारे मंदिरों को मिटाकर, अन्याय करके हमारी संस्कृति को खत्म कर, चोरी से हमारी संस्था को चोरी कर, इस देश को तुम अपना देश कह रहे हो? मैं तुमसे कहता हूँ कि इस देश में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अरे दम है तो न्याय का पालन करते हुए मेरे साथ युद्ध करो, तब तुम्हें पता चलेगी हमारी ताकत और हमारी मर्दानगी। खबरदार। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह
कमाल कर दिया मेरे दोस्त, ये मेरी गलती नहीं है। अरे वो अच्छा किया, नहीं ये मेरी गलती नहीं है। अरे वो अच्छा किया, मेरी क्या गलती है, अब कुछ नहीं हो सकता। भाई क्या बताओ, हमारे तेलुगु वाले बहुत बड़े दिल वाले, मैं तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हीरो के रूप में करने के लिए मुझे यहां खड़े रह के पागल हो गया तो मेरा पूरा डायलॉग ऐसे करते हैं एक्टिंग, समझ गया। हीरोइन बनोगी ए सीता? अरे ऐसे क्या देख रही हो, मैं कोटी हूँ कोटी। अरे छोटे तुम? अरे सीता तुम क्या कोई डायरेक्टर से मिलने आई हो क्या? तुम? अरे बड़ा हीरो बनेगा अपन, 130 टेक लेगा बड़े सीन में। अरे टेक का मतलब क्लैपबोर्ड रे, बाद में खुद समझ जाएगी। हमें आके तो 20 साल के एक्सपीरियंस में एक डायलॉग नहीं बोल पाया, उसे दफा करके हमने डायलॉग बोल दिया। गंगा बस एक चांस चाहिए, बस एक चांस, पता नहीं कब मिलेगा। 4 पेज के डायलॉग बस एक टेक में बोल दूंगा। गंगा इस फिल्म इंडस्ट्री में नसीब बहुत बड़ी शय है, जो काबिल है सिर्फ उसी को नसीब होता है। इस वास्ते हमेशा तैयार रहना, जल्दी से डांस सीखो, एक्टिंग सीखो, फिल्में देखो। एक ही बार मौका मिलेगा गंगा, उसी में हिट लगाना है। ओके फोन भी ना, सभी लाइन एंगेज है। फोन काम कर रहा है कि नहीं? फोन फोन। बैंगलोर का कोड 080 चेक। टेररिस्ट, पाकिस्तानी टेररिस्ट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मुस्लिम, पाकिस्तानी। ओके शुक्रिया। हाँ शुक्रिया सहरिया ऊपर वाले। ए अंधे हो क्या तुम? उस दिन गायब हो गए, अब मुलाकात नसीब हुई है। बड़ा तुर्रम खा समझते हो अपने आप को? मुंबई की लड़की का मतलब जानते हो क्या? क्या समझते हो तुम अपने आप को, बेवकूफ गुंडे कहीं के? इतनी हिम्मत की इधर हाथ लगा रहे हो? बचाओ, हेल्प हेल्प, ये गुंडा हमारा रेप करने की कोशिश कर रहा है। बचाओ, कोई आओ हमको बचाओ। आपको पता नहीं है मुंबई के बहुत से ऑफिसर से हमारी अच्छी जान पहचान है। धक्का दिया, 10 मिनट 10 मिनट्स यहीं पर रुकना। आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, यहीं रुकना, यहाँ से कहीं हिलना नहीं। डांस करता है डांस, घबरा कर यहाँ से दफा मत होना, 10 मिनट में वापस आते हैं, मुर्दा कहीं का। आपको गुंडा समझता है? चला रुला बच्ची को, रुला। हैं? अमजद भाई। अमजद भाई हाँ। नाम तो सुना ही होगा। तू है कौन बे? हम्म? क्या? नाम बोल अपना। बोल तेरे।
अमजद भाई, एक ही शॉट में गिर गए अमजद भाई। अमजद भाई, अमजद भाई, कम ऑन, कम ऑन अमजद भाई, कम ऑन। अरे गए क्या? अरे यहाँ क्यों रुक दिए? तुमने सुना नहीं कि रामायण की शूटिंग बीच में ही रुक गई है? मुझे इस गेटअप में देखकर शायद प्रोड्यूसर मुझे काम देने को राजी हो जाए। उनका ऑफिस कहाँ है? इसलिए तुझे साथ में लेकर आया, ढूंढो उसे। छोड़िए, क्या कर रहे हो? छोड़ो सर, छोड़िए ना, मार डाला रे। अरे छुटे लगी तो नहीं? अब देखो जलवा, देखो देखो, यही है मुंबई का निशाना। दम बहुत है। अरे कान के नीचे दू, उस तरह निकालू? अरे अलविदा हो जाएगा, कोई आके इसकी हिफाजत करो। ये तो अपना होश गवा बैठा है। हाँ अच्छा छोड़, निकल यहाँ से। पूजा बहन को सॉरी बोल। अरे सॉरी बोल, बोल रहा हूँ ना मैं, बोल। क्या हुआ मैडम? क्या रे? अरे पूछ रहा मैं कुछ। चल। अरे क्या? निकल यहाँ से। जनाब, इंस्पेक्टर जनाब, बेवकूफी हो गई। सॉरी जनाब, अब आगे से ऐसा नहीं करूंगी। जनाब, खड़ूस इंस्पेक्टर कहीं का? अरे साहब बोलो ना साहब। अरे गुंगे बोलना। अरे साहब मेरे को पता नहीं था साहब, आप इतने बड़े साहब हैं, मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम था। अरे साहब एक बार सुनिए तो सही साहब, मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, कभी किसी का एक पैसा नहीं मारा साहब। कमिश्नर साहब ने मुझे बुला के बेस्ट ऑटो ड्राइवर का अवार्ड दिया साहब। इन चिल्लर लोगों के साथ मेरे को मत रखो साहब। साहब मेरी भी कोई इज्जत है साहब। साहब मेरी इज्जत के फालूदा होगा साहब। मेरी बात सुनो साहब। साहब 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 ये लोग जानते हैं अमजद भाई कौन है साहब? साहब हमारा लेन देन का रिश्ता है सर। कल इनको मैंने 100 रुपए दिए थे। पुलिस स्टेशन में आके बड़बड़ कर रहा है। अरे 100 रुपए कल सुन कर तू। साहब 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 औरत का मामला था, इसी वास्ते पंगा ले लिया साहब। औरत की इज्जत के मामले में तो आप ही पंगा लेते ना साहब। इसको दास ऑफिस पे। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। कैप्टन। ओके ओके ओके, मैं देखता हूं। अरे बेचारी। अरे कैप्टन 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 जल्दी आओ कैप्टन। अरे कुछ सोच समझे बगैर पुलिस ने हमको पकड़ लिया। पूजा ने कोई बात बताई और हमने इनको गुंडा समझ के लफड़ा कर बैठे। हमको पता नहीं था कैप्टन। नहीं नहीं, वो ऐसे इंसान नहीं है, बहुत ही शरीफ है, अच्छी जानकारी है हमको। आपको बताया था ना हमने, हमारी और शायरा के निकाह में हीरो की तरह फाइट किया। माफ करना जनाब, यही है वो। गलतियों के साहब, अपने को पता नहीं था आप इतने कड़क इंस्पेक्टर हैं। वर्दी नहीं पहने थे ना उस वक्त, इसलिए गलतफहमी हो गई। वो क्या है साहब, पूजा बहन से बहुत मोहब्बत है अपने को। अमजद भाई कह के रो दी तो खून खोल गया, इसी वास्ते भागते हुए सीधा इधर ही आ गया। अब्बा क्या खैर खबर ली है हमारी। आपकी मार मतलब जबरदस्त मार जनाब। मुझे अभी पता चला कि आप कैप्टन जनाब के दिल अजीज हैं, दोस्त हैं।
अरे कैप्टन साहब के दोस्त हुए तो हमारे भी दोस्त हुए ना, और इसी दोस्ती के लिए जान हाजिर, हम हाथ मिलाओ साहब। हाँ अपना डिटेल बता रहे अमजद भाई। अरे क्या बात है, क्या बात है, दर्द होता, अरे पता नहीं क्या खा के मारा मेरे को, अरे दर्द 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 जाने को नहीं सकता। हथकड़ी लगाई थी, तकलीफ हो रही है बेचारे अमजद भाई। उसके बारे में गलत मत सोचिए। अरे नहीं नहीं साहब, वो हमारा खास दोस्त है बचपन से ही। उसी समय पुलिस में जाने की ख्वाहिश थी, दिन रात मशक्कत की, इसी से रैंक में सिलेक्ट हुआ। उसी के इंस्पिरेशन से मैं आर्मी में ज्वाइन हुआ। आईपीएस बनने के 2 साल भीतर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बेस्ट ऑफिसर के मेडल से नवाजा गया है। अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, अ ब्रिलियंट ऑफिसर, हमको उस पर फख्र है। वो दुश्मनों को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और उसने ऐसा पहले किया है। वो अपने देश में फैल रहे आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के वास्ते किसी भी हद तक गुजर सकता है। उसी गड़बड़ में अपनी जान से भी अजीज स्वाति को उसने खो दिया। बस सिर्फ कहने के वास्ते जिंदा है, एक लाश के मानिए वो अपने भीतर कितना कमजोर है ये कोई नहीं जानता। उस पर क्या बीत रही है किसी को भी नहीं मालूम। उसके ना बताने के बावजूद भी हम समझ सकते हैं। सर, हम पुलिस स्टेशन, वो कैप्टन अजय, अमजद भाई, वो याद आया, सर सॉरी सर, सर पुलिस ऑफिसर है, हम वाकिफ नहीं थे, ओवर एक्ट किए, आई एम सॉरी सर, आप कैप्टन के दिल अजीज हैं, आई एम सॉरी सर, उस दिन हमारा मतलब बहुत शर्मिंदा हूँ सर, वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर, सर 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 मुर्दा कहीं का। ये भी नहीं शर्म किया कि लड़की हूँ, सीधा बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया, बदतमीज कहीं का। हम मुंबईया लड़की है, इतनी सेक्सी हूँ, तरस खाकर सॉरी दरख्वास्त करने गई और बाहर निकाल दिया। हीरो समझता है, नेक्स्ट मुलाकात हुई ना तो नजर भी नहीं डालूंगी, कमीना पुलिस। फिर मुलाकात हो तो मुंह घुमा लेना, इतनी नाराजगी तो नहीं दिखती हमको, कुछ तो वजह है। हाँ खून उबल रहा है हमारा, फिर मुलाकात हुई तो उसका चेहरा नोच लेंगे हम। सही कह रही है। कौन है, कौन हो, कौन है ये, कौन है ये, कौन है, मिल रही मियां, मिल रही मियां, मिल रही मियां, आप कैसे हो, ये कौन है, कौन है आप, अरे अरे कौन है मियां, अरे अरे 2 महीने से पैसे नहीं भेजे हैं मियां, 2 महीने मालूम है, 2 साल से दो बच्चों को चाहिए, दो बच्चे क्या कर सच में, हां शायरा अरे कैप्टन पहचाने हमको, हम छोटे हैं, अरे ये जल्दी अरे क्या हुआ दोस्तों, इस शाम की गोद भराई में ये क्या होता भाई, ये शाम आप भी शुद्ध हिंदी बोलेंगे अमजद भाई, हमारे देश के वासिंदो, हमारे कैप्टन जनाब अजय ने बहुत मेहनत की, अब बेगम साहिबा शायरा बनो अम्मी बनने वाली है, ऐसे खास मखास मौके पर हम उनको और उनके होने वाली औलाद को तंदुरुस्ती और खूबसूरती के वास्ते ऊपर वाले से दिल से दुआ मांगते हैं, और अपने देश के उम्दा कलाकारों की तरफ से एक रंगीन महफिल नजराना पेश करते हैं, मतलब जो हमारे फिल्मी कलाकार शारजहां दुबई कतार में जाकर स्टेज शो करते हैं ना, वही स्टार आएंगे। अरे छोटे, अरे डांस, मजा आएगा अभी। हेलो राधा, सो कैप्टन
हमारे बॉर्डर पे छिपे तरीके से पाकिस्तानी आर्मी की एक्टिविटी एकाएक बढ़ गई है। फौरन पे इस तरह रिपोर्ट करने का हुक्म है। अमजद भाई, कैप्टन, हिफाजत से। आप फिक्र मत कीजिए। छोटे मुन्ना, कोई भी परेशानी हो तो राधा के पास चले जाना। जी कैप्टन। अमजद भाई, शर्मिंदा मत करिए कैप्टन जनाब, बहन है हमारी, हम हिफाजत कर लेंगे। आप बेफिक्र रहिए और जाकर उन पाकिस्तानी कुत्तों की खबर लीजिए। आप बेफिक्र रहिए कैप्टन, चलिए आप देख लेंगे क्या होता। चलिए कैप्टन। कैप्टन सल्यूट। जानता हूँ, सब जानता हूँ आपकी नाराजगी की वजह, मगर ये अमजद दूसरी फितरत का है। सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा मुसलमान, आप उसके बारे में बुरा मत सोचिए। वो सच में बहुत ही अच्छा इंसान है, यकीन करो। जैसा तुम अमजद भाई के बारे में सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, यकीन मानो। खलील और अली पुलिस की गिरफ्त में है। उनकी जुबान खुलने का मतलब है मसूद भाई के वास्ते की गई हमारी सारी कोशिशें बर्बाद। हमें कुछ दिन खामोशी इख्तियार करनी होगी और किसी महफूज ठिकाने पर पनाह लेनी होगी, ठीक है? इस बीच पुलिस के कुत्तों को गुमराह करना होगा, ठीक है? रामदास नायक, प्रेम शर्मा, ये भी गए थे मुंबई से मस्जिद गिराने के वास्ते। इन सब के डिटेल्स मुहैया कराइए। ओम नमः भगवते, ओम नमः भगवते, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। नजरों के सामने इस्माइल भाई का कत्ल कर दिया। या अल्लाह, हमें लगा हमको भी कत्ल कर देंगे, इसी वास्ते हम दुबई चले। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उधर ही पिछले 2 साल से हमने पेट्रोल पंप पर काम किया। अम्मी जान और आपको देखने की तमन्ना हुई इसलिए वापस आ गए। अच्छा काम किया तूने, नेक काम किया तू। चल बिरयानी का। मगर भाई जान, क्या एक इल्तिजा करूं? क्या हम आ गए ये बात किसी को मत बताइए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अभी बकरा हलाल करना है, बिरयानी की दावत देनी है सारे मोहल्ले को। क्या है बोलना सीधा। हमको घबराहट हो रही है। वजह क्या है?
घबरा क्यों रहा तू? मैं हूँ ना। नहीं भाई जान, नहीं, हम वापस। अरे बेफिक्र रह तू, किसी मत कीजिएगा। अरे पागल हो गया क्या तू? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे आने का पता चला तो काफिर लोग कत्ल कर देंगे हमारे। अरे फिर वही पागलपन की बात है, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना तेरे साथ। अरे हम समझाओ भाई जान, परेशान कुछ नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, किसी को नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे, समझ गया? ठीक है, लेकिन अम्मी की कसम खा तू, पहले कसम खा कि तू हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा। हाँ ठीक है ठीक है, अब हमें छोड़ के जाने के बारे में सोचना भी मत। ये फूल सा चेहरा मैं कैसे दिखाऊं, ये फूल सा चेहरा मैं कैसे छुपाऊं। आजा ए राजा तू मेरे घर आजा, आजा ए राजा तू मेरे घर आजा। हम शादी मनाएंगे आज ही हम शादी मनाएंगे। आजा तू आजा, ले चल मुझको मंदिर में राजा, चल मुझको तू मंदिर में राजा। फूल सा चेहरा मैं कैसे छिपाऊं। हाँ अच्छा किया ना मेरी बेटी ने डांस। हमारे गांव में सब लोग रंभा और वो कौन है, रम्या। हाँ रम्या कृष्णा जैसी खूबसूरत बोलते हैं। हाँ ठीक है, डायरेक्टर सर को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है। शाम को 6 बजे सीधा गेस्ट हाउस आ जाना। तुम मत आना, तुम्हारी बेटी को अकेले भेजो। डायरेक्टर जी तुम्हारी बेटी का डांस अकेले में देखना चाहते हैं। अरे अरे माँ के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चलो चलते हैं माँ, चलो। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो। आप जो बोलना चाहते हो वो मैं सब समझ रही हूँ, हम ऐसे लोग नहीं है सर। चलो बेटा चलो। देखो बेटा हमारे गांव में भी ये कमीने मर्द ऐसे ही है ना। बेटा मैं तुम्हारी शादी कैसे कराऊँ, मेरी तो हैसियत ही नहीं है बेटा। फिर किसी ना किसी को तो एडजस्ट करना ही होगा ना, पैसा ही नहीं होगा तो कुत्ते जैसा जीना होगा, तुमको पता है ना। तुमको पसंद नहीं है तो छोड़ो, तो कहीं तो एडजस्ट करना होगा ना। तुमको पसंद है तो ठीक है बेटा, एक बात सोचो बेटा। देखो बेटा पैसे से ही तो इज्जत मिलती है। हाँ मसूद भाई, किसी को कहीं नजर आए क्या? अपुन को कोई खैर खबर नहीं है। जिंदा है कि मौत हो गई उनकी? हाँ हमने देखा है। कब देखा तुमने? 10 दिन पहले। कहाँ? वैन में ले जाते हुए। किधर? वो नहीं मालूम मेरे को, पुलिस वालों का मामला है, बहुत डेंजर मामला है। क्या क्या हुआ? सुनो मसूद, हमें जानकारी है कि तुम्हारे वास्ते शहर में कत्लेआम हो रहे हैं। तुम्हें रिहा करने के वास्ते प्लान बनाए जा रहे हैं। अब तक तो तुम्हें इंडियन पुलिस का वजूद पता चल गया होगा। बोल। हमारा एक ही मकसद है, जेहाद। जेहाद? हाँ, पाक लड़ाई। अपनी खुदगर्जी के वास्ते तुमने इन शब्द का मायना ही बदल दिया। तुम्हारे पैगम्बर ने जेहाद को हक की लड़ाई कहा था, बेकसूरों का लहू बहाना नहीं। वाकई वैसे ही हजारों साल पहले हमारे श्री कृष्ण भगवान ने हमारी भगवद गीता में युद्ध का ऐलान किया था। वैसे ही शुरुआत हमने कर दी तो 2 मिनट में तुम निस्त नाबूद हो जाओगे। ए, ये मुमकिन नहीं है, तुम्हारी औकात से बाहर है। शांति के पुजारी बनते हो तो अमन से रहो, कत्ल के वास्ते जिगर चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। अरे डरपोक हो, है तुम में जिगर, डरते हो। डर? ये डर नहीं है, इस कानून पर यकीन है हमारा। हम जान कुर्बान करके दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं, किसी का कत्ल नहीं करते हम। मसूद और तुम पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक धर्म के नाम पर मार काट करते रहे हो कमीनों। बकवास, मजहबों का मेल सब बकवास है। इस मुल्क में सभी मजहबों में एकता है, सुनने में मजाक लगता है। पॉलिटिकल ड्रामा है ये ड्रामा। पॉलिटिकल ड्रामा? मसूद पवित्र काशी विश्वनाथ के दरवाजे भी खुलते हैं मुसलमान बिस्मिल्ला खान की शहनाई सुनने के बाद।
इस देश के सबसे बड़े ओहदे पर आज भी कायम है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद हिदायतुल्ला और मौजूदा डॉक्टर अब्दुल कलाम। हमारे देश में श्री राम वेंकटेश स्वामी के साथ साथ बुद्ध की भी पूजा होती है। यहाँ मुसलमान संत शिरडी साई बाबा को लोग भगवान मानते हैं। हर घर में तस्वीर है उनकी, हर घर में मंदिर है उनका। ये एक ही एग्जाम्पल काफी है हिंदू धर्म को जानने के वास्ते। लेक्चर अच्छा है, आगे आगे देखो, बहुत ही जल्द तुम्हारा ये हिंदुस्तान जलकर खाक हो जाएगा। अमेरिका के मानिंदी हादसा होगा, ये तो सिर्फ नमूना है। हमारे मदरसों के जेहादी तुम्हारे पार्लियामेंट को नेस्त नाबूद कर देंगे। हिंदू काफिरों के मंदिरों की धज्जियां उड़ा दी जाएगी। तुम्हारे इस तिरंगे को चीर के रख देंगे। छोड़िए मुझे। इस कुत्ते से बहस करना ना समझिए। क्यों उस कुत्ते को भौंकते हो, सुन रहे हो? कल इसको छुड़ाने के लिए प्लेन हाईजैक करेगा। ऐसे कुत्ते को तो शर्म मार देना चाहिए सर। इस कुत्ते के वास्ते टाइम वेस्ट, सिक्योरिटी वेस्ट, राधा वेस्ट, शेम। कौन है रे तू? पहले तो तुमको नहीं देखा। जवाब देना, यहाँ क्या कर रहा है? शक्ल से तो तू हिंदुस्तानी नहीं मालूम होता। पाकिस्तानी है क्या? अफगानी है? ये सही है। ओसामा बिन लादेन। और कितने तेरे साथ हिंदुस्तान में? ऐसा क्या घूर रहा है रे बेवकूफ? लॉकअप में डाल का थर्ड डिग्री, 30 डिग्री दिलाए ना तो सब बग देगा। क्यों? RDX तुम कहाँ कहाँ छिपाए हो? इधर छिपाए हो, उधर छिपाए हो, कहाँ कहाँ? अमजद भाई, अरे मेरा लगता जिगर, कैसा है तू? अरे ये तो भूल ही गया मैं, पहचाना इसको? अजहर। अरे मेरा सगा भाई। हाँ? जानता है तू इसको? अल्लाह का शुक्र है कि वापस आ गया, दुबई में रह रहा था। हाँ देख तू इसको, क्या भाई याद आई ना मेरी? हाँ? ये ना अपने दोस्त दीजिए, पहले हमने शौक दे दिया, घबरा गए ना? सच बताइए, कैसे एक्टिंग करता हूँ? अरे इसको भी नहीं बख्शा तूने, ये ऐसा ही है, बहुत बढ़िया एक्टर है, सबको चकमा देता है ऐसे ही। बस देखता जाओ, एक दिन शाहरुख खान बनेगा अपना दोस्त। क्यों, खाना खाया? चल खाना खाते हैं। इस दुनिया में, मेरे पूरे जीवन में, मैंने तुम जैसा फूल कभी नहीं देखा। सुंदरी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पूरे सिनेमा में सिर्फ तुम ही मेरी हीरोइन हो। इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? सीता महालक्ष्मी की माँ सेपरेट फ्लैट लिया है। हाँ। सीता इधर से जा रही है। हाँ। तुमसे एक बार मिलना चाहती है। खुदा तुम्हारी हमेशा हिफाजत करे। सब कुछ अच्छा होगा, इसे ऐसे छू लो। मुझे मालूम है तुम एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बनोगी, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। आमीन। और भूलना नहीं हमें। हाँ सीता। ऑल द बेस्ट। ये गणपति अपने पास। हाँ मैं ठीक हूँ, देखना सब अच्छा होगा। ये बड़ी हीरोइन मेरी क्लोज फ्रेंड है, ये मैं सबको बताऊंगी। बहन कुछ भी गड़बड़ हो तो अमजद भाई को बुलाना, बुलना मत। कांग्रेट्स, तुमको देखा तो बहुत जेलसी फील हो रही है यार, तुम बहुत लकी हो। सिनेमा इंडस्ट्री में चांस मिलना बहुत मुश्किल है, जम के मेहनत करो।
नाम पैसा या तुम अपनी माँ के लिए भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। सिनेमा कैरेक्टर से बढ़कर हमारा रियल लाइफ कैरेक्टर होता है। तुम बहुत बड़ी हीरोइन बनोगी, नेशनल लेवल पर श्रीदेवी से भी बड़ी हीरोइन। तब मुझे रिकमेंड करोगी ना? एक चांस, बस एक ही चांस दिलाओगी ना? ओके लक्ष्मी। क्या हुआ लक्ष्मी? लक्ष्मी लक्ष्मी क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अरे क्यों रो रही हो? इतने दिन आप लोगों के साथ रही है ना, आपको छोड़ कर जाने का उसको दुख हो रहा है, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। फिर कभी आएंगे? हाँ जल्दी जाना है, प्लेन में उठी जाना है, शूटिंग है। चलो बेटा चलो, ये देखो साहब सूटकेस लेकर आओ। आओ आओ, रोने से चेहरा खराब हो जाएगा, चुप हो जाओ। आओ बहन मेरे ऑटो में चलो। चुप होने को कह रही हूँ ना, चलो चुप हो जाओ। चलो मैं। अरे आओ मैडम बैठो, आ रहे हैं सर। अरे इधर दो ना, बैठो मैडम बैठो आराम से। अमजद भाई। हाँ बहन। मुझे डर लग रहा है। ड्राइवर चलो। मॉर्निंग स्वामी। थैंक यू स्वामी, लास्ट टाइम मैंने इधर ही सीता लक्ष्मी को हीरोइन बनाने के लिए प्रार्थना की और आपने उसे एक हफ्ते में हीरोइन बना दिया, ये तो चमत्कार हो गया। उस लड़की को छोड़ना मत स्वामी, उसका ख्याल रखना। वो ठीक है लेकिन मेरा भी तो कुछ करो। अरे इतना सता तब से आ रहा हूँ, हजारों बार तुम्हारे मंदिर में आया हूँ और कई बार तो पैदल चढ़ा हूँ। 7th क्लास में एक बार, 10th क्लास में एक बार, फुल मुंडन करवाया था। इतना किया है ना मैंने। कब बनूंगा मैं सुपरस्टार? ओहो धीमी आवाज में बात कर रहे हो क्या? मतलब मुझे आपसे मांगना पड़ेगा क्या? ठीक है, माँ भी मांगने के बाद ही देती है ना, मैं मांगने जा रहा हूँ, तैयार हो जाइए। वो ऑटो ड्राइवर हरामी अमजद मेरा दामाद बनेगा क्या? थू, ये प्यार भीर का नाटक नहीं चलेगा। मार्शो मली बोल के एक अच्छा लड़का मिला है, दुबई में उसके दो पेट्रोल पंप है, मालूम है ना? उसके साथ ही तुम्हें शादी करनी होगी। चुप, ये रोना बंद कर दो। तुम सब लोग समझे? आओ आओ। बेचारी जुबेदा बहुत पैसे की लालच में ना जाने क्या क्या करवा रहा है। अमजद भाई भी नहीं दिख रहा है। अमजद भाई, अमजद भाई, अमजद भाई, ताजमहल बोल के टी है। अंकल कहाँ जा रहे हो? अंकल जुबेदा को सजाने। यस अंकल चलो। ये इतने लंबी बेगम लोग कौन है तुम्हारे साथ? अंकल हमारे अब्बा का नाम होला शारुकुल्ला, शारुकुल्ला। आप आगे फिर अंकल। तुम्हारे बाप का नाम शाहरुख हो गए है क्या? मैं लंबी पैदा हुई हूँ ना। मुझे तुम्हारा मुखड़ा देखना दो। ये लोग पक्के तालिबानी मुस्लिम है, मियाँ के अलावा कोई और उनका चेहरा नहीं देख सकता, देख लेगा तो मारा जाएगा। ओसामा बिन लादेन। बेटी तुम भी साथ में जाओ। ताल से ताल मिलो। ओसामा बिन लादेन, गलती से बोल दिया मुझे वो। अबे चल हट, ये शादी नहीं होगी। अरे ओ बुढ़ाऊ, इस टाम टपरी से शादी करा रहा है तू जुबेदा की? काल खींच के रख दूंगा तेरी। अरे ओ जुबेदा बाहर चल, भाग चलते हैं। अरे अमजद भाई निकाह हो रहा है, क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम? गड़बड़ क्या, अभी बताता हूँ तेरे को। सारे रिश्तेदारों ध्यान से सुनो, मैंने और जुबेदा ने मिलकर क्या क्या गुल फुलाया मालूम है? इस ऑटो में बिठा के पूरे शहर में चक्कर लगाए हैं। निकाह से पहले? हाँ बहन जी, हम दोनों एक साथ गेटवे ऑफ इंडिया देखने के वास्ते भी गए थे। निकाह से पहले? हाँ जनाब निकाह से पहले। कुछ कुछ होता है फिल्म देखा ना आपने? अरे 20 बार देखा मैंने, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। बकवास बंद करो, जल्दी जल्दी करके पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर। अरे पुलिस को बुलाता, चेक क्या करती है पुलिस? बुला पुलिस को। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अरे बुड्ढे मैं मुसलमान, जुबेदा भी मुसलमान, मैं भी 18 जुबेदा भी 18, कोई लफड़ाइश नहीं, उल्टा जबरन उसकी शादी कराओगे तो फंस जाओगे बुड्ढे। जुबेदा चल भाग चलते हैं। जुबेदा नहीं है अंदर। जुबेदा चल भाग चलते हैं। नहीं है। ए, पूजा मेरी बात सुन, मेरे साथ ना इंसाफी हो रही है और तुम जा रही हो हमारे और जुबेदा के फरार होने तक क्या रुकना पड़ेगा तुम्हें? अरे जुबेदा को उसने बंद करके रखा है। जुबेदा चल भाग चलते हैं, मैं आ गया हूँ। अरे कोई मेरी मोहब्बत नहीं समझ रहा, मैं मुसलमान जुबेदा मुसलमान, किसी की नहीं सुनूंगा मैं 18 जुबेदा भी 18। ये बुड्ढा हमारी शादी में लड़ाई डाल रहा है, समझाओ इसको, नहीं तो हम दोनों रफू चक्कर। बेवकूफ जुबेदा, हाँ मैं
बुरखे में जुबैदा है। जुबैदा? सर ये मसूद को पकड़ते वक्त फरार हो गया था, कई महीनों के बाद अब फिर से शहर में नुमाया हुआ है, ओल्ड सिटी में कहीं पनाह ली है, हमारे आदमी इसकी तलाश में है। चले जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। सलाम साहब। नमस्ते साहब। वो क्या है साहब कि मैं और जुबैदा, वो कुछ भी नहीं साहब। कुछ क्यों नहीं है? सर आपको सब मालूम है सर, ये दोनों काफी दिनों से इसका अब्बा इसकी शादी दूसरी जगह करना चाहता है, ये भगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, मतलब मैं भी 18 से ऊपर और ये भी 18 से ऊपर, मैं भी मुसलमान और ये भी मुसलमान, मगर इनके अब्बू बहुत, इसका अब्बा बहुत शैतान है सर। हाँ कैप्टन साहब, कैप्टन साहब जाते वक्त फरमा गए थे कि कोई दिक्कत हो तो आपसे मुलाकात कर ले, इसलिए कैप्टन साहब ने बोला था अगर छोटा मोटा लफड़ा होता तो हम खुद ही समझ लेते जनाब, लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है, जबरदस्ती का कोई मामला नहीं है साहब, यकीन ना हो तो इससे पूछ लो, बोलना। जबरदस्ती नहीं है जनाब, हमको कभी नहीं। पुलिस की धमकी दे रहा है इसका बाप, जनाब आप ही मदद करिए ना हमारी, आप कर सकते हैं जनाब, कुछ तो मदद करिए ना जनाब। आनंद उस एरिया के इंस्पेक्टर को इत्तला कर दो, अमजद को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ साहब वो चूड़ी बाजार की तीसरी गली है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं बोलूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब। नागपुर नहीं न्यूजीलैंड। गंगा गंगा यहाँ कहा गंगा, बेटी शूटिंग वास्ते बाहर गई है। बाहर गई है? अरे अरे कहाँ जा रहे हो? छोड़ो मुझे, इधर शिव ले जा रहे हो, रुको। दूसरा कोई रास्ता नहीं था, मुझे फिल्मों से बहुत लगाव है, स्क्रीन पर मैं खुद को देखना चाहती थी, कैसे भी बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी, पर माँ ने मुझसे ये सब। मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करती हूँ। कोटी क्या हाल बना रख, कोटी ए कोटी, दारू पीकर ऐसे रोड पर पड़ा हुआ था, ए उठ उठ, क्या से क्या निकला रहे तू, शकल देख एक चांस भाई हीरो हीरो सुपर हीरो बना फिरता था तू, क्या हुआ तुझे, हाँ शकल पे देख, हीरो के नाम पे भिखारी लग रहा है तू, म्यूनिसिपैलिटी का कचरे में पड़ा हुआ था, इसीलिए यहाँ आया था, यही सब करने आया था हैदराबाद तू, हाँ इसीलिए आया था, इधर हम सब मर गए थे क्या, बस एक लड़की के लिए दारू पीकर जिंदगी बर्बाद कर दिया ना, पागल मत मारो इसे, बेवकूफ, हीरो बनेगा ये हीरो, ठीक। हमेशा हंसते रहते थे तुम, एक लड़की के लिए ऐसे क्यों हो गए हो बताओ, तुमको ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है कोटी, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा था, कितने समझदार समझते थे हम तुम्हें, एक दिन बहुत बड़े हीरो बनोगे, क्या है ये कोटी? ए पिया तो गलती क्या है, सीता महालक्ष्मी ने धोखा दिया इसीलिए पिया है, एंड्रीन कुछ पिया होता तो सब कुछ भूल गया होता ना, हम भी तुमको भूल जाते, बहुत डिसअपॉइंट किया है तुमने कोटी। सिनेमा के बारे में आप किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो तो अपनी जिंदगी बनाने के लिए चली गई, वो
माँ तो वापस लौट कर नहीं आएगी, लेकिन तू उसकी याद में दारू पीकर आया बड़ा हीरो बनने। अमजद भाई हीरो। अरे जिगर, ए गोटी, माफ करना मुझे। सुन, तेरी हालत देखकर गुस्से में बहुत मार दिया मैंने तुझे, मुझे माफ करना। सुन सुन सुन, तू सबको होता है, अकेला तेरे को नहीं। सब लोग ऐसे ही पी के गिरते हैं क्या? अरे लड़ने के लिए है जिंदगी, लड़ना है। अरे देखो देखो, तू जाने किस किस को देख रहे हैं फिल्मों के पोस्टर्स पर, तेरे को देखना है। हम में से हर एक को तुझ पे विश्वास है कि तू हीरो बनेगा, बहुत बड़ा हीरो बनेगा तू, तुझ में है वो। देख हमको पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन बोला हाँ साथ में तुमको धोखा दिया तो तुमको क्या करना है? हाँ स्ट्रेट दिखाना है कि तू कौन है। हाँ अगर वो हीरोइन बन सकती है तो तू भी हीरो बनेगा, तुझ में है वो, अंदर है। अरे सोना है तू सोना, तुझको खोने के लिए लड़की को शर्म से मर जाना चाहिए। अरे तू दिखा रहे तू, है तुझे अंदर, हम सब लोग तेरे साथ। हीरो हीरो बनना है तुझे, बनेगा तू हीरो, बहुत बड़ा हीरो बनेगा। हम क्या दलील दें, सभी बाबा लोगों को हमने एडवांस दे दिया। एक बाबा एक्शन फिल्म बनाने पर जोर दे रहा है, दूसरा फैक्शन फिल्म, तीसरा रोमांस के चक्कर में है, चौथा रीमेक बनाने पर आमादा है। हिंदी डायरेक्टर और हिंदी स्टोरी बिल्कुल नहीं चाहिए। एक बाबा और भी है, डेट देगा कि नहीं देगा पता ही नहीं है। पागल हो चुके 40 प्रोड्यूसर से वादा कर चुका है कि अगली फिल्म आपकी, मैं 41वें नंबर पर हूँ, दो जख्म जाए। हमको फिल्में नहीं करनी, हमको नहीं करनी। अरे हमको बख्श दो यार, जाने दो, हटो। अरे क्या क्या हुआ क्या आपको, क्या हुआ? अरे बताइए, आपको कोई फिल्म नहीं बनानी, किसके वास्ते बनाओ? कौन कौन है अंदर? जनाब प्रोड्यूसर जनाब, रघुराम जी, हे राम बाबू, हे सुरेश, अरे कहाँ चले गए तुम लोग? जाओ बाद में आना, जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अरे क्या हुआ क्या? साईं जनाब 170 फिल्में, माफ कीजिए हमारे रघुराम प्रोड्यूसर जनाब को किसी ने अगवा कर लिया जनाब। अरे बाप रे, अंदर से बम ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी, जल्दी आइए। नक्सलाइट है, टेररिस्ट है, बिन लादेन है, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ जनाब। अंदर धमाका चालू है, जल्दी आइए जनाब। हमारे वास्ते, हमारे देश के वास्ते, अपने परिवार के वास्ते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, 48 फ्रेम्स, वंदे मातरम, हमारे देश के लोगों के वास्ते। 96 फ्रेम्स सर, वंदे मातरम, मैं अपने प्राण भी न्योछावर कर दूंगा। 1500 फ्रेम्स जनाब, ग्राफिक, वंदे मातरम। स्लोली वंदे मातरम कहकर। वंदे मातरम। ओके जनाब, जनाब टॉप एंगल, एक क्रेन, 24 का लेंस, नॉर्मल फ्रेम। इस अमर शहीद को अशकों की श्रद्धांजलि देते हुए सारे देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। धीरे से क्रेन डाउन होती है और टाइटल की शुरुआत होती है, रोलिंग टाइटल जनाब। उन टाइटल्स पर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ से भी बढ़कर ये मातृभूमि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि। वंदे मातरम से एंड कर साउ। अरे चलो रुक। लाजवाब, जबरदस्त, इतनी अच्छी स्टोरी लेकर कहाँ थे तुम दोनों? जनाब हमको किसी बाबा की जरूरत नहीं है जनाब, तुम मेरे हीरो हो, तुम मेरे डायरेक्टर हो, हम फिल्म बनाएंगे, हम फिल्म बनाएंगे। अपना छोटा हीरो बन गया, अरे हमारा छोटा हीरो बन गया। अजय,
कैप्टन। कैप्टन साहब, बैक, गो बैक। नहीं साहब, हमारे कैप्टन साहब को देखने दीजिए। क्या देखेगा, क्या देखेगा? इनको हरामजादे पकड़ कर ले गए, युद्धबंद है ये जानकर भी इनको कितनी तकलीफें दी देश की सुरक्षा का राज जानने के वास्ते। आंखें निकाल ली, इनकी आंखें निकाल ली, इनके इनके इनकी जुबान काट दे। आखिर में अंदरूनी अंदरूनी अंग भी। ओ पाकिस्तानी कमीनों, अगर एक ही माँ बाप की पैदाइश हो तो सुनो, आमने सामने की लड़ाई लड़ो, 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे, सब खत्म। अब तक हम लोग सिर्फ अमन की बात कर रहे थे, एक बार हमने जंग शुरू कर दी तो इंडियन आर्मी क्या है सब पता चल जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोल सर छोड़िए सर जाने दो। डैडी से बात करने में मुझे डर लग रहा है। इसीलिए तो मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया था, ये प्यार व्यार का चक्कर समय से बाहर है। क्या बोल रहे हो, होश में तो हो? सब कुछ हो जाने के बाद ऐसी बातें? क्या सब कुछ हो गया है? तुमने क्यों होने दिया?
कितना ट्राई किया था हमने, हर बार एक ही बात, शादी के बाद होता, शादी के बाद होता तो अच्छा होता, तभी अच्छा होता। तुम्हारे पिताजी से गुप्तगू करने के बाद मुझे कोई पक्का सबूत चाहिए ना। शट अप, इस समय जो भी होगा मैं देख लूंगी। इस जगह से तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। पहले तुम रवाना हो जाओ, मैं 10 मिनट के बाद आऊंगी। हाँ सुनो तो, अब जाओ स्वाति। अरे स्वाति, जाने का मन नहीं कर रहा। शाम को फिर मुलाकात होगी, जाओ। अरे अरे सुनो, बेफ को स्वाति। कमिश्नर ऑफ पुलिस की बेटी होकर इतनी होशियार हो सकती हो, तो हम तो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, हमें कितना होशियार होना चाहिए। तुम दोनों के बीच एक साल से जो प्यार मोहब्बत चल रही है, क्या समझती हो हमें पता नहीं? हमने तुम दोनों को रेड हैंड पकड़ा है सर। वो बेहतर चुनाव। हाँ, डैडी। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में जिस पर नाज है उसी को सिलेक्ट किया है तुमने। बट आई एम सॉरी राधा, तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग तो दे दी, अच्छी बीबी भी सुपुर्द कर रहा हूँ। डैडी, 25 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ इसका टॉर्चर। देख रहे हो, अब तुम्हारी बारी। ऑल द बेस्ट। ये चैंपियन फॉर आवर हैप्पी मैरिज। हे रुको 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 रुको, जब तुम मुझे मंगलसूत्र पहनाओगे तो वो तुम्हारी याद दिलाता रहेगा, है ना? वैसे ही ये तुम्हें मेरी याद दिलाने के लिए वास्ते हैं। चाहे तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारा हाथ हमेशा पकड़े रखूंगी। लव यू। आई लव यू टू। मगर मुझे खाना बनाना नहीं आता, और कपड़े धोना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना। बीवी नौकरानी नहीं होती, ये सब काम दूसरों के साथ मैनेज किया जा सकता है, मगर एक बात नामुमकिन है। वो क्या? इवनिंग को ऑफिस के बाद, नहाने के बाद, हाँ? खाने के बाद, डिनर के बाद और सुबह के नाश्ते के बीच का जो खाली समय होता है ना, उसको दूसरों के साथ मैनेज करना बहुत नामुमकिन है। शट अप। हेलो मसूद भाई, और उसके आदमी को पता चल गया। तुम जल्दी से यहाँ आओ, जल्दी करो। मसूद, ठीक है, अकेले रिस्क मत लेना, टास्क फोर्स को लेके जाना, मैं आ रहा हूँ बस अभी। सॉरी, तुम घर पे जाओ, मैं टेनिस का मामला है। खतरा तो तुम्हें भी है, मैं भी साथ चलूंगी। तुम हमेशा अकेले जाते हो, फोटो खींचूंगी, आर्टिकल जो छापना है। प्लीज प्लीज प्लीज, टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी चलो, वो भाग जाएगा। चलो चलो चलो, हमारी बात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मुल्क इन काफिरों का नहीं, यही हकीकत है। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का है। अब तक बस हमारी हुकूमत कायम थी, हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, इसी से अल्लाह ने हमें इन काफिरों के नीचे रहने की सजा बख्शी। हमको दोबारा अल्लाह की हुकूमत लानी होगी। हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे, इसीलिए आप सभी को पाकिस्तान के लिए रवाना कर रहे हैं ट्रेनिंग के वास्ते। पासपोर्ट्स तैयार हैं। जिहाद। मसूद से क्या?
कवर करो। कवर करके सर चलो क्विक। मसूद भाई, छोड़ूंगा नहीं।
स्वाति 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 तुम ठीक हो ना स्वाति? कितनी पुलिस होती है घर में, सारी गोलियां लगी मुझे। घबरा मत स्वाति, दर्द हो रहा है ना स्वाति, घबरा मत। सुनो फोटो अच्छी आई होंगे ना स्वाति? स्वाति मैं हूँ ना। हाँ निकलो प्रिंस, निकल बाहर होगे ना स्वाति? जल्दी जल्दी, कुछ नहीं होने दो, कुछ नहीं होने दो स्वाति। हमारी सुहागरात में भी मुझे ऐसे ही उठा के ले जाओगे? बकवास बंद करो स्वाति, कुछ देर के लिए चुप रहो, चुप। रो रहे हो? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मरूंगी नहीं स्वाति। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा स्वाति, मैं कुछ नहीं होने दूंगा स्वाति, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा स्वाति। तुम ठीक, स्वाति तुम ठीक हो जाओगी स्वाति, स्वाति 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 स्वाति। बाबू आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा बाबू, क्या एक्शन दिया आपने, कमाल कर दिया बाबू, अच्छा किया आपने। हम बाबा नहीं है, हम बाबा नहीं है, हम कोई बाबा नहीं है, मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और हाँ, हमारी अगली पिक्चर भी ऊपर वाले के करम से रघुराम जनाब की ही होगी, कि उन्होंने हमें बनाया है, सो प्लीज हमको गलत मत समझे और हम पर नाराज मत होइए। अरे बहुत अच्छा किया, अरे ये आप क्या बोल रहे हैं, अरे अरे हटो, चुप रहो, कोटी तुम चलो, इनको मैं संभालता हूँ। हाँ चलो बाबू, अरे ये कहीं का बाबू नहीं है, अरे बाबू दूसरा है, अरे उनसे मिलवाता हूँ, चलो पीछे हटो, चलो हटो। आज तो तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, अच्छा अरे निकलो यहाँ से, चलो। अरे बसु, वो वहां पे सामान पड़ा है, वो साइड में कर दो। तू यहाँ कैसे रुक गई? शॉट रेडी है, जल्दी चल, किसी भी ऐरे गैरे से बात करने लगती है, तू बड़ी हीरोइन है, चल। अकेलापन बहुत तकलीफ देह है, इस बात से मैं वाकिफ हूँ। अपनी वाइफ से जुदा हो गए, अपनी स्वाति बेटी को खो दिया। हम जानते हैं तुम स्वाति को भुला नहीं पाओगी, मगर भूलना होगा, क्या करें, सब करना पड़ता है। कितने दिनों तक यूँ घुट घुट कर जियोगे? सुनो, तुमको इस हालत में देख नहीं पाएंगे हम, हमारे लिए स्वाति और पूजा में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। पूजा के पिताजी हमारे अच्छे दोस्त हैं, ये भी तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारे अतीत के बारे में वाकिफ भी है, हमारी बात मानकर पूजा से शादी कर लीजिए, यही वक्त का तकाजा भी है, हमारी बात मान लो राधा।
मुझे। अस्सलाम वालेकुम। I-I-S-H-E कॉफी ले लीजिए। बेटा ये काफी टाइम से आपका इंतजार कर रहे हैं, इसे पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे कुछ गुफ्तगु करना चाहते हैं। सर पूजा, हेलो, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। हाँ। 5 करोड़। क्या पूछना है? मौलाना मसूद असद कहाँ है? अभी आ रहा हूं सर। बहुत बड़ी जोखिम है। रिस्क की बात क्या है जनाब? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दे दोगे तो यहां से सीधा दुबई भेज दूंगा पूरे परिवार के साथ। अरेंजमेंट की जिम्मेदारी हमारी, बस मसूद भाई की जानकारी दे दो। माजरा साहब, आप नहीं साहब, मस्जिद साहब, ऐसे जूते पहन के अंदर आना बिल्कुल गलत है। अरे अरे हाँ जा रहे जरा, मैं बोल रहा हूँ साहब। नहीं साहब, साहब 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 नहीं साहब, मेरी बात सुनो साहब। क्या हुआ साहब आपको? रुकिए जनाब, ये ठीक नहीं साहब। साहब मैं बोल रहा हूँ अंदर नहीं जाना है साहब। साहब चप्पल पहन के अंदर नहीं जाने दूंगा साहब। अंदर नहीं जाना है साहब। नहीं साहब, ऐसे अंदर नहीं आ सकते। तू छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं आ सकते ऐसे। बोल रहा हूँ साहब, अंदर मत जाओ, अंदर मत जाना सब। नहीं सब, नहीं सब, मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत करो। ये बहुत सा। अरे पीछे हट, पीछे हट। अंदर नहीं जाना साहब।
मांगा मत चाहिए, क्यों नहीं मान रहे आप? सब 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 मान जाओ। नहीं है साहब ये, हाँ ड्यूटी में है तो क्या जूते पहन के मस्जिद के अंदर जाएंगे? ऐसे ही हम मंदिर के अंदर जाए तो क्या आप खामोश रहेंगे? आपका मंदिर पाक है तो क्या हमारी मस्जिद पाक नहीं है? किस लिए जनाब आप हमेशा हम लोगों पर शक ही करते हैं? नाइंसाफी है ये। मंदिर में कोई क्रिमिनल घुस गया, किसी मुसलमान ने पाकिस्तान में कुछ किया तो हमको क्यों परेशान किया जाता है? साहब हम मुसलमान हैं, सही बात है, मगर हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी आपकी तरह इंडियंस हैं। अरे हट, तुम इंडियंस हो नहीं सकते। थू, रहते हो इस देश में और 24 घंटे नाम लेते हो पाकिस्तान का। क्रिकेट मैच में भारत पाकिस्तान से हारता है तो तुम मिठाइयां बांटते हो। अमेरिका में लादेन अटैक करता है तो तुम खुशियां मनाते हो। हिंदुस्तान के खिलाफ मदरसों में तालीम दी जाती है। तुम लोगों के घर, तुम लोगों के मदरसे और तुम्हारी मस्जिदें, ये सभी पाकिस्तान ISI को गुनाह करने के वास्ते पना देती है। तुम हिंदुस्तानी हो? थू, अरे जनाब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ISI वगैरह से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम लोग आपको ऐसे लगते हैं क्या साहब? हकीकत तो ये है कि हम लोग भी आपके माफिक दिन रात मेहनत करके शराफत की जिंदगी जी रहे जनाब, लेकिन आपके शक की वजह से हमें घबराहट होती है। अरे ये भी क्या जिंदगी है साहब, कुत्तों के माफिक जी रहे हम लोग यहाँ पे। अगर यहाँ पे तुम्हें इतनी घबराहट हो रही है तो चले जाओ अपने पाकिस्तान में। अरे आप कौन होते हैं पाकिस्तान चले जाओ कहने वाले? क्या आपका मुल्क है ये? क्या सिर्फ आपका मुल्क है ये? अरे हम भी यहीं के हैं, पाकिस्तान हमारा नहीं है। आपके माफिक हमारी भी पैदाइश यही की है, आपके माफिक हमारी भी परवरिश यही हुई, और हमको भी यही की मिट्टी में फना हो जाना है। हमारा भी है ये भारत देश, हमें कैसे जुदा करेंगे आप? हम पर यकीन क्यों नहीं है? हमें यकीन नहीं तुम पर? तुम यकीन की बात करते हो? हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम है वो भाई भाई है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये यकीन का ही नतीजा है जो मुंबई में ब्लास्ट हुए, कश्मीर में गोलियां चली, मंदिर में जो अटैक हुआ है। इतना सब होने के बावजूद भी यकीन करके लाहौर तक बस सेवा शुरू की, और तुम लोगों ने कारगिल में धोखा दिया, पीठ में खंजर घोंपा। या अल्लाह, गलत बयानबाजी कर रहे हैं आप जनाब। हमारा कारगिल से क्या वास्ता? अरे हमको जानकार भी नहीं कि वो चीज क्या है। आखिर जिन्होंने धोखा दिया वहां पर वो पाकिस्तानी बदमाश थे, उन कमीनों ने अंजाम दिया जनाब, वो हम नहीं है जनाब। साहब सभी नमाज पढ़ने वाले पाकिस्तानी नहीं होते हैं जनाब। इस्लाम का मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जनाब, दुनिया के न जाने कितने मुल्कों में इस्लाम है जनाब, उसमें से पाकिस्तान तो एक निहायत ही छोटा सा टुकड़ा है। साहब देश और ईश्वर में कैसा रिश्ता साहब? वो भी मुसलमान है और हम भी मुसलमान है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तानी है और हम इंडियंस। हम पुश्तों से यहाँ पर रह रहे हैं साहब और यहीं पर रहेंगे। ए, तुम लोग यहाँ पे रह रहे हो हमारे रहमो करम की वजह से। तुम्हारा पैगंबर यहाँ का नहीं है, धर्म ग्रंथ यहाँ का नहीं है, तुम्हारे अल्लाह से जुड़ा हुआ कोई भी धर्म स्थान यहाँ हिंदुस्तान में नहीं है, इसे अपना मुल्क कैसे कह सकते हो? हमारी माँ को जख्मी करने के बाद भी, तुम्हारे लिए पाकिस्तान बनाने के बाद भी, हमने तुम पर तरस खाकर तुमको यहाँ पनाह दी। तरस खाकर पनाह देने की कोई बात नहीं है साहब, हम खैरात नहीं मांग रहे हैं। हम लोग जब तक जिंदा है यहीं पर रहेंगे, ये हमारी माँ है, यह मुल्क हमारा है, हम सभी का। जय श्री राम, 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 जय
श्री राम, जय श्री राम। ये रही छोटे। चलो चलो चलो। तुम कहाँ जा रही हो? आप लोग यहाँ कैसे? आउटडोर? हाँ, दिल्ली। हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? दिल्ली, दोस्त की शादी में। तुम काफी खूबसूरत हो। अरे छोटे के साथ दुल्हन बन जाओ। आजकल कैसे दुल्हन बन जाती है? तुम्हें क्या कमी है? अजर भाई, अरे सर, हैदराबाद स्टेशन पर ब्लास्ट हो गया सर। ब्लास्ट में बहुत आदमी मर गया है सर। जल्द से जल्द वहाँ पे आने की कोशिश करें सर। आतंकवादी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए सर। वो ब्लास्ट हमने किया है। मैं हूँ अजहर खान। ए पुलिस, ये सिर्फ एक नमूना है। मसूद भाई और अमजद भाई को लेकर आधे घंटे के अंदर स्टेशन पर आ जाओ हेलीकॉप्टर लेकर, वरना ए पुलिस, अगर हमने दूसरे ब्लास्ट को अंजाम दिया तो स्टेशन के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में सारा एरिया खत्म हो जाएगा। तुम अजहर नाम के किसी बंदे को जानते हो? अजहर? अजहर तो मेरा भाई है जनाब, हमारा छोटा भाई। क्या हुआ साहब? साहब, अरे अजहर, अजहर को टीवी में क्यों दिखाया जा रहा है साहब? कौन है साहब? हेलो भाईजान, मैं अजहर। भाईजान आप महफूज हो रहा? अरे अजहर। भाईजान आप घबराओ मत, आप मसूद भाई के साथ यहाँ आ जाइए। अरे अजहर, ये सब क्या? साहब मुझे बात करने दो अजहर से। साहब सर, हमें सब मालूम है, हम भी उसे खत्म करना चाहते हैं, मगर क्या करूं, हजारों लोगों की जान खतरे में है। मसूद को रिहा करना होगा सर, ये हमारा हुक्म है, गवर्नमेंट ऑर्डर। बचाओ, हटा दीजिए। हाँ ठीक है, रुको। हाँ ठीक है, रुको। सबको फौरन बाहर भेज दो, फौरन। सब बाहर जाओ। कमॉन कमॉन, मूव 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 मूव, कमॉन कमॉन, हरी अप, चलो चलो बाहर निकलो जल्दी।
ए पुलिस, उन दोनों को रिहा कर। अजहर, अरे अजहर ये ठीक नहीं है, छोड़ो उसे, छोड़। अरे मेरी बात सुन, ये ठीक नहीं कर रहा तू अजहर, ये अच्छा काम नहीं है अजहर। बकवास बंद करो, हमारे पास वक्त नहीं है। भाई को इधर भेजो, मसूद भाई को भी इधर भेजो, भाई को ले आओ जल्दी। अरे भाई, अरे भाई किसको बोल रहा तू, इस कमीने को? अरे ये पाकिस्तानी है, काफिर है, देश का दुश्मन है ये। अरे मेरे जिगर, अरे गद्दार के साथ मत दे, छोड़ दे इस बिचारी को। अरे वो तेरी बहन जैसी है, जाने दे उसे। और छोड़ जाने दे उसे। तो काफिर है, हिंदुस्तानी काफिर, काफिर की औलाद है ये। भाई को इधर लाओ, हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, हमारा पाकिस्तान। अरे चुप, हमारा पाकिस्तान नहीं है, हमारा हिंदुस्तान है। यहीं पर हम पैदा हुए, यहीं पर परवरिश हुई हमारी, ये हमारी माँ है, हम इस माँ की औलाद है। सुन अजहर, यहीं हम पैदा हुए, यहीं हमारी मौत होगी। बोलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। छोड़ दे पागलपन, ये पागलपन नहीं है, जिहाद है, जिहाद। क्या ढक्कन की तरह देख रहा है तू? उन दोनों को रिहा कर, वरना लड़की को उड़ा दूंगा, समझा कि नहीं? नहीं साहब, नहीं जाना मेरे को उधर। साहब हमको पाकिस्तान नहीं जाना, साहब हमको मत दीजिए, साहब साहब हम नहीं जाएंगे, साहब 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 नहीं जाना, साहब पागल हो गए हो भाई जान, साहब साहब करो, छोड़िए मसूद भाई को, हम नहीं, हमारे पास साहब पाकिस्तान जाने नहीं जाना होंगे। जल्दी से रिहा कर मसूद भाई को, रिहा कर। सब साले भाई जान, आप क्या कर रहे हो? मसूद भाई को छोड़ दो, मैं छोड़ूंगा मैं। भाई जान, आप क्या कर रहे हो? मसूद भाई को छोड़ दो, वरना उड़ा दूंगा मैं इसको। मैं मेरे भाई को क्या बना दे कमीने? ए पुलिस, तू क्या देख रहा है? उड़ा दूंगा मैं इसको, अजब नहीं कर रहा हूँ। ए भाई जान, तू उड़ा दूंगा मैं इसको, पागल बन मत करो भाई जान। ए पुलिस, छोड़ो इसको। ए मजाक नहीं कर। अल्लाह अकबर। पूजा जय मार दीजिए इसको।
गद्दार है साला बदमाश, मार दीजिए इसको। वंदे मातरम, वंदे बॉम्ब अभी डिफ्यूज नहीं हुआ है, कुछ करना पड़ेगा। इन सबको लेके बाहर चलो, बाहर चलो, चलो पीछे जाओ, चलो पीछे जाओ, चलो पीछे जाओ, अरे सब हट जाओ, हट जाओ, अरे चलो सब 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 निकलो ऐसे, चलो जल्दी निकलो, अरे बाहर जाओ, बाहर जाओ, जल्दी 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 निकलो, भागो भागो, यहाँ पर बॉम्ब है, जल्दी निकलो, भागो भागो, यहाँ पर बॉम्ब है, जल्दी भागो, खेलना मत, भागो यहाँ से। आरटीएक्स बॉक्स में वैक्यूम कनेक्ट है, मगर सेलफोन को डिस्कनेक्ट कर दिया है, सिग्नल अभी ऑन है सर, बहुत खतरनाक सर, ओपन कीजिए, घबराओ मत, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, आराम से, आराम से, ओके ओके, आराम से, अल्लाह, ओके सर, डिस्कनेक्ट हो गया सर, थैंक यू सर, सर, थैंक यू वेरी मच, आराम से। अमजद भाई, ठीक है भाई, उस जमींदार को संभालना, अच्छे से ले जाना, ठीक है, और अपने अल्लाह को मेरा सलाम कहना, और हमारे वास्ते भी कोई लेकर आना। अरे क्या बात कर रहा है साहब, सलाम साहब, बहुत दिनों से अम्मी को मक्का ले जाने की ख्वाहिश थी, अब नसीब हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने खुश नसीबी है कि आप छोड़ने भी आए साहब, शुक्रिया साहब, साहब ये मेरी अम्मी है साहब, अम्मी कैप्टन साहब का दोस्त है, राधा साहब बहुत आला पुलिस अफसर है अम्मी, अरे थैंक्स बोल। शुक्रिया जनाब, मुझे हमको माफ कर दो, आपके बेटे को। अरे ये क्या कर रहे हैं साहब, क्या कर रहे हैं, वो हमारा भाई तो था ही नहीं, क्यों अम्मी, वो गद्दार है, देश का गद्दार, अरे ये हमारा भाई है, मेरी जान, मेरी जान शाहरुख खान, क्यों साहब आप भी तो हमारे भाई हैं, क्यों अम्मी आपकी भी अम्मी, दुआ दे अम्मी। बेटा अल्लाह जो भी करते हैं अच्छे के वास्ते ही करते हैं। क्या रे हीरो, मेरी जान शाहरुख खान, अल्लाहू अकबर, जय बजरंग बली। जब भी दोनों की मुलाकात होती है बच्चों की माफी हो जाती है।